हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि फेसबुक शॉर्ट में फोटो से वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। गाइस, अगर आप लोग भी यहाँ पे अपने फेसबुक शॉर्ट में फोटो से वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि फेसबुक शॉर्ट में फोटो से वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं, तो फिर बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि फेसबुक शॉर्ट में फोटो से वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, सबसे पहले आप लोग फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जो है शॉर्ट वाली जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगी। गाइस, यहाँ पे वीडियोज़ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट वीडियोज़ यहाँ पे आ रही हैं। अब गाइस, यहाँ पे फोटो से वीडियो बनाने के लिए आप लोग को कैमरा वाला आइकन मिलता है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका कैमरा यहाँ पे चालू हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग का ये वाला एक आइकन मिलता है यहाँ पे कोने में, तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की जो फोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ पे आ जाती हैं। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को फोटो से वीडियो बनाना है तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली फोटो से वीडियो नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आप लोग को प्ले स्टोर से काइन मास्टर एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना होगा। लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। इसके बाद काइन मास्टर का इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। प्लस का आइकन मिलता है, यहाँ क्लिक करेंगे। 9.60 का रेशियो को सिलेक्ट करेंगे। रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग की जो गैलरी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग जिन फोटेज से आप लोग फोटो से वीडियो बनाना चाहते हैं उन फोटेज को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये फोटेज ले लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग जो फोटेज अपना लेना चाहते हैं वो फोटेज यहाँ पे आप लोग ले लेना इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं ये कुछ फोटेज यहाँ पे ले लेता हूँ। गाइस, फोटेज लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटेज हमारे इस तरीके से आ चुके हैं। अब गाइस, यहाँ पे आप लोग इन फोटेज को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे क्लिप्स पे, और यहाँ पे आप लोग को ये वाला एक आइकन मिलता है, पैन एंड जूम बोलते हैं इससे। आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको आप लोग इस तरीके से जूम वगैरह जैसा सेट करना चाहते हैं वैसा सेट कर लीजिए, और इसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोग इसको बराबर कर लीजिए। अब गाइस, यहाँ पे आप लोग को मिलता है प्लस का आइकन, यहाँ क्लिक करेंगे। अब बाई डिफॉल्ट आप लोग को यहाँ पे जो है कुछ ट्रांजिशन डाउनलोड मिलते हैं वो आप लोग को ऐड करने हैं। बाकी का अगर आप लोग को एक्स्ट्रा जो है ट्रांजिशन ऐड करने हैं तो गेट मोर पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से एक्स्ट्रा ट्रांजिशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी का बाई डिफॉल्ट मेरे पास जो ट्रांजिशन डाउनलोड है मैं वो ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फंड ट्रांजिशन में ये वाला ट्रांजिशन डाल देता हूँ। फिर अगले प्लस के आइकन पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसमें मैं यहाँ पे क्लासिक ट्रांजिशन में ये वाला ट्रांजिशन डाल देता हूँ। इसके बाद प्लस के आइकन पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पे मैं ये जो फंड ट्रांजिशन में ये वाला ट्रांजिशन डालूंगा। प्लस के आइकन पे मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो ट्रांजिशन है पिक्चर एंड पिक्चर, इसमें ये वाला ले लेता हूँ। तो ये मैं डिफरेंट सभी में प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करके ये जो ट्रांजिशन है वो मैं यहाँ पे फटाफट से डाल देता हूँ। गाइस, यहाँ पे मैंने सभी ट्रांजिशन डाल दिए हैं। इसके बाद आप लोग आगे आएंगे, एक फर्स्ट क्लिप को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करेंगे, एक लास्ट क्लिप आप लोग किया है जो यहाँ पे इसको भी आप लोग छोटा कर देंगे। इसके बाद आप लोग आगे आएंगे, इसमें अभी ऑडियो डालना है तो ऑडियो पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग को फोल्डर पे जाना होगा और यहाँ पे आप लोग के सारे ऑडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग जो भी ऑडियो डालना चाहते हैं उस ऑडियो के यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं। मैं ये वाला ऑडियो डाल देता हूँ, प्लस के आइकन पे क्लिक करके ये ऑडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद इस एक्स्ट्रा मटेरियल को आप लोग ट्रिम स्प्लिट करके आप लोग पीछे से डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग की वीडियो रेडी हो चुकी है। इसके बाद गाइस, यहाँ पे मैं वीडियो को एक बार प्ले करूँगा तो आप लोग देखेंगे हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्ले होगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी वीडियो बना सकते हैं और आप लोग की वीडियो यहाँ पे रेडी हो जाती है। एरो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको आप लोग फुल HD में एक्सपोर्ट कर लीजिए। इसके बाद काइन मास्टर को मिनिमाइज़ कीजिए। अब आप लोग को जाना होगा वापस से फेसबुक शॉर्ट में। अब ये देख सकते हैं आप लोग की जो वीडियो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे और ये देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, यहाँ पे हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है फोटो से वीडियो, और यहाँ पे आप लोग की जो वीडियो रेडी हो जाती है तो यहाँ पे आप लोग मीड म्यूजिक टैक्स ट्रिम वो भी आप लोग यहाँ एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट का बटन मिलता है, यहाँ क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। तो गाइस, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फेसबुक शॉर्ट में अपनी फोटो से वीडियो बना सकते हैं। सो गाइस, बस यही थी आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि फेसबुक शॉर्ट में फोटो से वीडियो कैसे बनाते हैं, वो आप लोग यहाँ पे सीख गए होंगे। गाइस, अगर आप लोग को अपने फेसबुक शॉर्ट में फोटो से वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोग को वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।